दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं बिहार पुलिस के बारे में। दोस्तों, तो बहुत दिनों से वीडियो मैंने नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि कुछ दिक्कत थी दोस्तों। अब मैं वीडियो आपको बराबर मिलता रहेगा दोस्तों। इससे बड़े हम सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाले, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के बारे में है, जो कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। आपको पता ही होगा कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ आपको बताऊंगा, फुल डिटेल बताऊंगा कब आपका एग्जाम होगा, कब क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने नोटिस यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्यालय आदेश है, यहाँ पे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि विज्ञापन संख्या 1/2023 अंतर्गत बिहार पुलिस के अन्य इकाइयों में सिपाही पद चयन हेतु दिनांक 1/10 को आयोजित लिखित परीक्षा, जो 1 तारीख को जो एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस के अन्य इकाइयों में सिपाही पद पर चयन हेतु विज्ञापन 1/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा 1/10 रविवार को दोनों पालियों में जो संपन्न हुई थी उसके बारे में, ये तो संपन्न होने के बारे में ना। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं विदित हो कि दिनांक 1/10 रविवार को उक्त दोनों पालियों में लिखित परीक्षा में काफ़ी समय नकल होते, मतलब नकल के बारे में बताया गया कि काफ़ी नकल हुआ है 1 तारीख को। काफ़ी बच्चे लोग बताए भी हैं, जो कि बात सच भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है, मोबाइल वोबाइल ब्लूटूथ वाकई बेकायदे बहुत कुछ मिला है दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चीट पुर्जा उसके साथ पकड़े गए, इनमें सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जो कोई बच गया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं सरकार की तरफ से निर्णय है जो कि है CSBC के। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि बताया गया वर्तमान समय मामले में अनुसाधन अंतर्गत, लेकिन 2/10 के 2/10 यानी 2 तारीख को जो भी एग्ज़ाम था उसके बारे में भी है कि संबंधित बताया गया है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, सिंपल से अपनी भाषा में बताऊँगा दोस्तों लास्ट स्टेप पढ़ के। यहाँ पे देख पा रहे हैं उपयुक्त तथ्यों के आलोक में पार्षद द्वारा दिनांक 1/10 रविवार को हुई दोनों पालियों में लिखित परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। सिंपल सी बात है, रद्द हो गई है। तो उसके बाद आप बात करते हैं जो कि साथ साथ दिनांक 7/10 जो एग्जाम था आपका 7 तारीख को था, शनिवार को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पाली में, और उसके बाद एक था 15 तारीख का, यानी 7/15 दो एग्जाम था जो बच्चों का अभी है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे पालियाँ तथा दिनांक 15/10/2023 रविवार को निर्धारित पंचम एवं पष्टम पालियों में लिखित परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। सभी पालियों से प्रथम पाली तक लिखित परीक्षाओं का नई तिथि का समय संबंध अलग सूचना पार्षद वेबसाइट पर कर दी जाएगी दोस्तों, जो कि ये नोटिस। अब दोस्तों मैं अपनी हिंदी भाषा में बता दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका बिहार पुलिस, उसमें काफ़ी फेक हुआ है, फ्रॉड हुआ था, चीट उट पकड़ी गई है, डिवाइस पकड़ी गई है दोस्तों, तो वो एग्ज़ाम भी रद्द हो गया। अब उसका नया तिथि बनेगा, अब जब तिथि बनेगा आपको वेबसाइट पर पता चल जाएगी, मैं खुद अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों। इससे पहले चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद जिसका एग्ज़ाम 7 तारीख को और 15 तारीख को एग्ज़ाम था उनका भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वो दोनों घबराएं ना, उनको तैयारी करने का और मौका मिल गया, तैयारी करें। उसके बाद नया डेट जो आएगा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, नया डेट बहुत जल्दी आएगा दोस्तों, देखने को मिलेगा दोस्तों। यही आज की जानकारी है दोस्तों, आशा करते हैं आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।